वैसे तो क्रूज शिप पर बहुत सारे विभाग होते हैं और हर एक विभाग में लगभग 50 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, और वो विभाग जैसे कि ब्यूटी और फिटनेस विभाग, कैसीनो विभाग, डेक विभाग, इंजन विभाग, इंटरटेनमेंट, फूड एंड बीवरेज, गैली एंड कुलिनरी, गिफ्ट एंड रिटेल शॉप, हाउसकीपिंग, होटल ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंशियल सर्विसेज, आईटी, मेडिकल, फोटोग्राफी, गोल्फ, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर, आर्ट, रिलीजियस सर्विसेज और डांस। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन डिपार्टमेंट के पोजीशंस की। एक इंजन डिपार्टमेंट में कितने पोजीशंस होते हैं, उनके जहाज पे काम क्या रहता है, ज्वाइनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया रहती है और सैलरी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल द नेवी क्योरा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्रूज शिप पर ज्वाइनिंग के लिए जो कॉमन क्राइटेरिया है, यानी किसी भी रैंक के लिए वो एलिजिबिलिटी जरूरी होती है, वो है STCW का सर्टिफिकेट अथवा कोई मेरी टाइम कोर्सेस, CDC, पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, इंग्लिश में धारा प्रवाह बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना। तो इस कॉमन क्राइटेरिया को हम रैंक वाइज ज्वाइनिंग क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे, बस उस इंडिविजुअल रैंक के लिए जो स्पेशल क्राइटेरिया होती है उसका जिक्र करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इंजन डिपार्टमेंट के पोजीशंस की तरफ। पहला पोजीशन है टेक्निकल क्लर्क का, इसे दूसरी भाषा में मेराइन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। इस रैंक में ज्वाइनिंग के लिए आपको क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव का अनुभव होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली MS ऑफिस में। टेक्निकल क्लर्क का ड्यूटी होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करने का। औसत सैलरी होता है $1,000 से लेकर $1,800 पर मंथ के बीच। अब बढ़ते दूसरे पोजीशन की तरफ, जो कि है प्लम्बर का। प्लम्बर के लिए आपको प्लम्बिंग के काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वैक्यूम सिस्टम का भी जानकारी अति आवश्यक होता है। जहाज पर प्लम्बर का काम होता है वैक्यूम टॉयलेट, सीवर और ड्रेनेज की सफाई, मरम्मत और देखभाल करना। इनकी औसत सैलरी होती है $900 से लेकर $3,300 के बीच, जिसमें $900 से $2,500 सेकेंड प्लम्बर की सैलरी होती है और लगभग $1,200 से लेकर $3,300 तक की सैलरी फर्स्ट प्लम्बर की होती है। तीसरा पोजीशन है रेफ्रिजरेशन फीटर का। इसके लिए HVAC यानी हीटिंग वेंटिलेशन एंड AC कंडीशनिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। जहाज पर इनका काम होता है फर्स्ट वेंटिलेशन ऑफिसर के साथ मिलकर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम करना। इनकी सैलरी होती है $250 से लेकर $3,500 पर मंथ की। नेक्स्ट पोजीशन है ज्वाइनर यानी कारपेंटर का। जहाज पर इनका काम कारपेंट्री ड्यूटी से रिलेटेड होता है। यह चीफ कारपेंटर या कभी कभी बोसन या स्टाफ इंजीनियर के निर्देश पे काम करते हैं। ज्वाइनर रैंक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कारपेंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किसी क्रूज शिप पर कारपेंट्री का एक्सपीरियंस हो तो वह प्लस पॉइंट रहता है। ज्वाइनर की सैलरी होती है $1,000 से लेकर $3,000 पर मंथ की। नेक्स्ट रैंक है इंजन स्टोर कीपर की। इस रैंक में ज्वाइनिंग के लिए क्रूज शिप का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इंजन के पार्ट और कलपुर्जों की जानकारी होना जरूरी है, स्टोर रूम का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और मैकेनिकल टूल्स इत्यादि की जानकारी भी होना जरूरी है। इनका ड्यूटी इंजन स्टोर रूम से रिलेटेड होता है। इनकी सैलरी $900 से लेकर $3,000 पर मंथ होती है, जिसमें सेकेंड इंजन स्टोर कीपर की सैलरी $900 से लेकर $1,200 पर मंथ और चीफ स्टोर कीपर की सैलरी $1,200 से लेकर $3,000 के बीच होती है। नेक्स्ट पोजीशन है इंजन क्रू का। इंजन क्रू के रैंक पर ज्वाइनिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। इनका काम होता है इंजन क्रू सुपरवाइजर के अंडर में और उसके निर्देश पर इंजन रूम में काम करने का। इनकी सैलरी होती है $600 से लेकर $800 पर मंथ। अगला पोजीशन है वाइपर का। इसके लिए ऑनबोर्ड शिप का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इनका काम होता है इंजन रूम में सफाई, पेंटिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी चेक्स इत्यादि का। वाइपर की सैलरी होती है $800 से लेकर $1,200 पर मंथ की। नेक्स्ट पोजीशन है इंजन क्रू सुपरवाइजर का। इन्हें अन्य भाषा में मोटरमैन भी कहते हैं, और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो मोटरमैन ही लिखना पड़ेगा। इस रैंक पर ज्वाइनिंग के लिए पिछले शिप का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मोटरमैन का काम होता है इंजन रूम में इंजन क्रू के ड्यूटी को मेंटेन करना और क्रू को काम देना। इनकी सैलरी होती है $1,000 से लेकर $15,000 पर मंथ। नेक्स्ट पोजीशन है इंजन रिपेयरमैन का। इस रैंक पर ज्वाइनिंग के लिए वेल्डिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और कम से कम 2 साल का वेल्डर, फिटर या इंजन रिपेयरमैन के तौर पर पिछले जहाज पर काम का एक्सपीरियंस। इनका काम होता है फर्स्ट इंजीनियर के साथ मिलकर मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और वेल्डिंग का काम करना। इंजन रिपेयरमैन का सैलरी होता है $250 से लेकर $3,000 के बीच। अगला पोजीशन है इंजन कैडेट का। इसमें ज्वाइनिंग के लिए आपको किसी मेरीटाइम कॉलेज से मेराइन कोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। इंजन कैडेट का काम होता है
स्टाफ इंजीनियर के निर्देशन में मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और वॉच कीपिंग का काम। इंजन कैडेट की सैलरी होती है $1,500 से लेकर $250 के बीच। नेक्स्ट पोजीशन है थर्ड वेंटिलेशन ऑफिसर का। इन्हें जूनियर रेफ्रिजरेशन इंजीनियर भी कहते हैं। इसमें ज्वाइनिंग के लिए कम से कम एक साल का सेम रैंक पर किसी क्रूज शिप पर काम का एक्सपीरियंस। इनका काम फर्स्ट वेंटिलेशन ऑफिसर के साथ मिलकर वेंटिलेशन और रेफ्रिजरेशन मेंटेनेंस का काम करना। सैलरी होती है $4,000 से लेकर $7,000 के बीच। अगला पोजीशन है थर्ड इंजन ऑफिसर का। इस रैंक पर ज्वाइनिंग के लिए किसी मेरीटाइम एकेडमी से आपको ग्रेजुएट होने की डिग्री होना चाहिए, कम से कम एक साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए और STCW 3/1 का लाइसेंस होना चाहिए। इनका काम होता है इंजन रूम में वॉच कीपिंग का ड्यूटी करना, मशीनरी और इक्विपमेंट का रूटीन मेंटेनेंस करना और किसी भी बात का रिपोर्ट स्टाफ इंजीनियर को देना। थर्ड इंजन ऑफिसर का सैलरी होता है $4,000 से लेकर $7,000 पर मंथ के बीच। नेक्स्ट पोजीशन है सेकेंड वेंटिलेशन ऑफिसर। इन्हें रेफ्रिजरेशन इंजीनियर भी कहते हैं। इसके लिए कम से कम 3 साल का सेम रैंक पर या इससे एक पॉइंट निचले रैंक पर काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह फर्स्ट वेंटिलेशन ऑफिसर के साथ मिलकर रूटीन मेंटेनेंस, वेंटिलेशन और रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर काम करते हैं। अगला पोजीशन है सेकेंड इंजन ऑफिसर। इसे होटल इंजीनियर या होटल सर्विस इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। इस रैंक पर ज्वाइनिंग के लिए अलग अलग कंपनी में अलग अलग क्राइटेरिया होता है और नॉर्मली जो होता है वह है पिछले शिफ्ट पर थर्ड इंजन ऑफिसर के तौर पर कम से कम 2 साल तक का काम का एक्सपीरियंस। इंजन रूम में जितने मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट होते हैं उनके देखभाल की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सेकेंड इंजीनियर ऑफिसर की ही होती है। अगर इंजन रूम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये स्टाफ इंजीनियर के साथ मिलकर उस टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। सेकेंड इंजीनियर की सैलरी होती है $6,000 से लेकर $8,000 पर मंथ के बीच। अगला रैंक है फर्स्ट वेंटिलेशन ऑफिसर का। इन्हें चीफ रेफ्रिजरेशन इंजीनियर या HVAC इंजीनियर भी कहते हैं। इस रैंक पर ज्वाइनिंग के लिए पिछले शिफ्ट पर सेकेंड वेंटिलेशन ऑफिसर के तौर पर कम से कम 3 साल का काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ इस रैंक के लिए लाइसेंस भी होनी चाहिए। जहाज पर इनका काम होता है एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, कूलिंग और हीटिंग सिस्टम की देखरेख और मरम्मत करना और किसी भी बात का रिपोर्ट ये डायरेक्ट चीफ इंजीनियर को देते हैं। फर्स्ट वेंटिलेशन ऑफिसर की सैलरी होती है $7,000 से लेकर $9,000 पर मंथ के बीच। अगला रैंक होता है फर्स्ट इंजीनियर ऑफिसर का। इस रैंक पर ज्वाइनिंग के लिए पिछले शिफ्ट पर सेकंड इंजीनियर के तौर पर कम से कम 3 साल तक का काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ इस रैंक के लिए लाइसेंस होनी चाहिए। फर्स्ट इंजीनियर का शिफ्ट पर ड्यूटी होता है किसी भी मशीनरी पार्ट, इक्विपमेंट या प्लांट की देखरेख का रिपोर्ट लेना, प्रोपल्शन मशीनरी का मेंटेनेंस करना, बंकर या फ्यूल ऑयल का रिपोर्ट लेना, पानी के उत्पादन और खपत का रिपोर्ट लेना। फर्स्ट इंजीनियर की सैलरी होती है $7,000 से लेकर $9,000 के बीच। और अगला रैंक है स्टाफ इंजीनियर का। इंजन रूम में यह सबसे टॉप का रैंक होता है। इसके लिए आपके पास इस रैंक का लाइसेंस होनी चाहिए और पिछले शिफ्ट पर कम से कम 3 साल तक का फर्स्ट इंजीनियर के तौर पर काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफ इंजीनियर को चीफ इंजीनियर भी कहते हैं। स्टाफ इंजीनियर्स जो होते हैं वो इंजन रूम के इंचार्ज होते हैं। इनकी सैलरी होती है $7,000 से लेकर $10,000 के बीच।